अगर विराट कोहली को लेकर पाकिस्तान परेशान है तो फिर कैप्टन बाबर को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए कम समय में बड़े मुकाम हासिल किए और खास तौर पर यूएई में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा, लेकिन विराट के सामने बाबर कहीं नहीं टिकते। कैसे आगे दिखाते हैं आपको। विराट कोहली वो बल्लेबाज जिनके नाम T20 में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड दर्ज है, तो वही बाबर आजम सबसे ज्यादा रनों के मामले में पाकिस्तान में तीसरे पायदान पर है। विराट कोहली के 90 मैचेस में 3,159 रन है, बाबर के 61 मैचेस में 2,204 रन है। औसत की बात कर लेते हैं तो यहां भी विराट ही बाबर पर भारी पड़ते हैं। विराट की T20 में 52.65 की एवरेज है, तो वही बाबर की 46.89। कैप्टनसी का रिकॉर्ड अगर बात करें तो कैप्टनसी के रिकॉर्ड पे विराट की कैप्टनसी में भारत ने 45 में से 29 मैचेस जीते, वहीं बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 28 में से 15 मैचेस ही जीते हैं। आइए अब आपको दिखा देते कैसे बार बार वर्ल्ड कप के T20 में भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। 2007 की बात करते हैं, सबसे पहले जहां पर वर्ल्ड T20 बॉल आउट में जीता था भारत। 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल्स में 5 रनों से भारत की जीत हुई थी। साल 2012 में T20 में 8 विकेट से भारत ने अपनी जीत दर्ज की। साल 2014 वर्ल्ड T20 में 7 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया गया था। साल 2016 वर्ल्ड T20 6 विकेट से जीता भारत। तो ये है भारत का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।